हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मंजिल भारत पे। मैं मारूक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और आज का जो हमारा इकलौता डिस्ट्रिक्ट बच चुका है फ्रॉम द जम्मू प्रोविंस, दैट इज कठुआ। और फिर हम कल से श्रीनगर की तरफ, कश्मीर की तरफ जाएंगे। सो कठुआ की हिस्ट्री पर आते हैं। कठुआ ज्योग्राफिकली तो कठुआ हमें बहुत पहले कवर कर लेना चाहिए, बट मिस्टेक कठुआ हमसे रह गया है। सो ये हमारा लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू प्रोविंस का है। सो ये कठुआ का मैप है जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। कठुआ का जो बॉर्डर है वो लग रहा है पंजाब से, यहाँ पे पाकिस्तान से भी लग रहा है, ठीक है। मतलब बॉर्डर एरिया है ये, सांभा से लगता है, जम्मू से लगता है, उधमपुर से लगता है एंड हिमाचल प्रदेश, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से लगता है। तो ये हमारा है डिस्ट्रिक्ट कठुआ जिसे हम कवर करने लगे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देखें, ये रंजीत सागर, ये ब्लू कलर का है ना, जो ये रंजीत सागर डैम है जिसे थाइम डैम भी कहते हैं, थाइम डैम भी कहते हैं। ये रिवर रावी पर बिल्ट है। ये रंजीत सागर डैम जो है दैट इज ऑन द इन द डिस्ट्रिक्ट कठुआ, राइट। चले अगर जम्मू कश्मीर का मैप उठाएं, स्टेट का मैप उठाएं, तो यहाँ पे कठुआ कहाँ पे है, ये है हमारा कठुआ, ठीक है। दिस इज द कठुआ टाउन एंड दिस इज द, ये पर्पलिश जो एरिया है ये हमारा है कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोई डिटेल्ड हिस्ट्री तो नहीं है हमारे पास कठुआ की, पर एक बिलीफ सिस्टम है हिस्टोरियंस का जो कहते हैं एक राजपूत रूलर थे अंडोतरा क्लैन के, जिनका नाम था जोत सिंह। जोत सिंह जी माइग्रेट किया इन्होंने हस्तिनापुर से यहाँ पर कठुआ में 2000 साल पहले, ठीक है। अंडोतरा क्लैन को, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, अंडोतरा क्लैन को जोत सिंह जी बिलोंग करते थे। ये हस्तिनापुर से कठुआ शहर में आए थे 2000 साल पहले और यहाँ पर ही ये रह गए। एक तीन हैमलेट्स हैं जिनका नाम है तरफ ताजवाल, तरफ मंजली, तरफ भाजवाल। ये इस्टैब्लिश की थी जोत सिंह के तीन बेटों ने, जिनका नाम है था तेजू, किंडल और भाजू। और जो इनकी नस्ल है ना, इन तीनों बेटों की जो आगे नस्ल चली, उनको कहते थे ताजवालिया तेजू के, भाजवालिया भाजू के और किंडल वालिया को कानवालिया, राजपूत ऑफ अंडोतरा सब कास्ट, ठीक है। यहां से कहानी आती है, आगे बढ़ते हुए कहानी कहती है कि अगर आप इन तीनों को अलग अलग कर ले, जैसे कि के हटा ले, के यहां से हटा ले, ठीक है, ठीक है, ऐसे कर ले, अच्छा यहां से क्योंकि तेजू है टी एच कर दे, ठीक है, ये बन गया, और भाजू का आ, तो ये एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पर इन तीनों को इकट्ठा कर, अगर हम इन तीनों हैमलेट्स को इकट्ठा कर दें तो हमारा कठाई वर्ड बन जाता है और वक्त के साथ साथ ये एरिया बनता है कठुआ। बहुत सिंपल सी बात है, फिर से समझाती हूँ। अंडोतरा क्लैन के राजा जोत सिंह जी यहाँ पर आ गए हस्तिनापुर से 2000 साल पहले। इनके जो तीन बेटे थे, सिंपल तरीके से याद रखो, जिनका नाम था तेजू, किंडल और भाजू, जो आगे नस्ल चली, जैसे तेजू की जो आगे नस्ल थी, जो उनकी सब कास्ट थी, ठीक, अंडोतरा क्लान था उसकी जो सब कास्ट थी, जो तेजू को बिलोंग कर रही थी, जो तेजू की नस्ल थी, उसको कहते थे ताजवालिया, भाजू की भाजवालिया, ठीक है, किंडल की कानवालिया, ये सब कास्ट बनी अंडोतरा क्लान की, ठीक है। इन्हीं हैमलेट्स को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास ये वर्ड आता है कठाई, जो वक्त के साथ साथ चेंज हो गया इन द वर्ड कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, ग्रीक हिस्टोरियन कहते हैं, उनका मानना है कि जम्मू के फुट हिल्स में दो बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम्स थे। एक था अभिसारा, जो आज का है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, और दूसरा था कठाई, जो आज के टाइम पर है कठुआ। ये बात हो रही है जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था जम्मू कश्मीर की तरफ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। स्ट्राबो डिस्क्राइब करते हैं, एक ग्रीक हिस्टोरियन है स्ट्राबो, जो डिस्क्राइब करते हैं कि जो ये रीजन था ना कठुआ,
ये इतना माइटी रीजन था, एक माइटी रिपब्लिक रीजन था जो रिवर रावी के ऊपर बसा हुआ था। इस चीज से ये चीज तो क्लियर हो गई जब हम बात कर रहे थे डोडा की, किश्तवाड़ की और रामबन की। पिछले लेक्चर्स में हमने कौन सी रिवर का जिक्र किया? रिवर चनाब। वो ड्रेन्ड है रिवर चनाब से। यहाँ पे जो रिवर फ्लो कर रही है वो कौन सी रिवर है आपकी? रिवर रावी। ठीक है, बस ये जो मेजर चीज है ना यही याद रखनी है। उसके बाद कहता है जो इस जो ग्रीक हिस्टोरियंस ने जिस डिस्ट्रिक्ट की वहां पे मेंशन किया है उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कठुआ से ही है, तो एग्जैक्टली वो कठुआ के बारे में ही बोल रहे थे ग्रीक हिस्टोरियन। अच्छा, स्ट्राबो कहते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत बहादुर थे, करेजियस थे और उन्होंने वो एपिटोप थे, मतलब सिंबल थे ब्रेवरी के और करेज के, और उन्होंने एक टफ फाइट दी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की इन्वेजन को। यहाँ पे मेनली बोली जाती है डोगरी और पहाड़ी लैंग्वेज का प्रयोग होता है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू भी चलती है, यहाँ पे मेन लैंग्वेजेस है। उर्दू यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। आते हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट श्राइन्स कह लें या इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस कह लें कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, जिनमें से सबसे पहले स्टैंड आउट करता है सुकराला माता का मंदिर। सुकराला माता का जो मंदिर है वो डेडिकेटेड है टू द मदर गॉडेस सुकराला देवी श्राइन। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर्स अवे है कठुआ से। इसकी जो हाइट है वो है 3500 फीट पर ये मंदिर है। एंड इसमें क्या है कि काफी पौड़ियां हैं, सीढ़ियां हैं जो चढ़कर जानी पड़ती है इस मंदिर तक पहुंचने के लिए। ये जो गॉड है हरसेल्फ, यहाँ पे जो इनकी मतलब ये एग्जैक्टली गॉड जो सुकराला मंदिर में है वो एक पिक्चर ये क्रिएट कर रहा है हमारे माइंड में कि वो शिला स्टोन स्लैब होता है, स्लैब माने ऐसा। ठीक है, वहां पे बैठे हैं ब्रास लायन के ऊपर, शेर के ऊपर बैठे हुए हैं विद अ सिल्वर माउंटेड इनका हेड है। उसके पीछे अगर आप देखें माता जी के पीछे खड़े हैं महिषासुर मुर्दिनी, स्टैंडिंग ऑन द बॉडी ऑफ महिषासुर, एक डिमोन किंग है जो पीछे खड़े हैं। अच्छा, गॉडेस के माता के चार हाथ हैं इस पिक, मतलब जो सुकराला मंदिर में जो माता है जिनका आइडल है उसके चार हाथ है और एक हाथ में तलवार है। ठीक है, मेनी लेजेंड्स का ये भी कहना है कि ये जो मंदिर है इसे बिल्ड किया या कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय मधु सिंह, जो निकाले गए थे, जो चंबा के प्रिंस थे और उन्हें वहां से निकाल दिया गया था, उन्होंने, वो मधु सिंह थे, उन्होंने इस टेंपल को बिल्ड किया गया है। नवरात्रों के टाइम पर यहाँ पे अक्सर 50,000 लोग आते हैं, 50,000 तक यहाँ पे टूरिस्ट आ जाते हैं। ये है इमेज जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, सुकराला माता जी का मंदिर। ब्रास लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे चार हाथ, और अगर आप पीछे देखें तो इनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए कि ये चार हाथ है और एक हाथ पे इनके स्वॉर्ड है। ठीक है, हियर वी गो टू अनदर टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम है सारथल। ये भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। ये कितनी फीट पर है? ये 7000 फीट पर है और यहाँ पे 6 महीने तक बर्फ रहती है, कवर्ड विद द बर्फ। इसका ऑल्टीट्यूड है वो काफी हाइट है। उसके बाद यहाँ पे इस एरिया मतलब ये बाउंडेड है स्नो क्लाड माउंटेन्स ही यहाँ पे डाइन थे, जिसका टेम्परेचर बहुत प्यारा होता होगा। ये भद्रवा और हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड है और ये 20 किलोमीटर दूर है। एक बनी तहसील है कठुआ में, वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर सारथल पड़ता है। नेक्स्ट आप इमेज देख सकते हैं सारथल की। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं एक और मंदिर की तरफ जो है एरवान टेम्पल। ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ये विलेज अरवान में ही पड़ता है जो 15 किलोमीटर दूर है हमारी कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। 4th सेंचुरी चौथी शताब्दी में बना हुआ ये मंदिर, ये बिल्ड किया गया था विक्रम आदित्य किंग ने, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना पड़ेगा कि जो एरवान टेम्पल है वो किसने बिल्ड किया था? वो बिल्ड किया था किंग विक्रम आदित्य जी ने। यहाँ पे रिवर रावी है। ठीक है, रिवर रावी पर ये बना हुआ है।
मेलास यहाँ पे लगते हैं शिवरात्रि के टाइम पर, बैसाखी के टाइम पर, और यहाँ पे जो लोग जिनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है वो हरिद्वार नहीं जा सकते, तो वो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके एशेस लेकर यहाँ पर वो गुप्त गंगा में होली वाटर में इमर्स कर देते हैं। चलिए, ये पिक्चर है हमारी अरवाल टेम्पल की, जो है लॉर्ड शिवा का टेम्पल, ठीक है, और इसे बिल्ड किसने किया था? किंग विक्रम आदित्य जी ने। फिर आता है एक और टेम्पल जिसका नाम है माता बाला सुंदरी टेम्पल नगरी। ये हिस्टोरिकल श्राइन है बालाजी सुंदरी का, जो आउटस्कर्ट में पड़ता है कठुआ के, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 13 किलोमीटर अवे। यहाँ पे मैंगो ट्रीज के पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एक कहानी है, उसके अकॉर्डिंग एक ब्राह्मण था जो ग्रास काट रहा था, ठीक है, एंड उसकी जो कुल्हाड़ी थी, सिकल थी, वो एक स्टोन में अटक गई, स्ट्रक हो गई, और वहां से खून निकलने लगा, ठीक है। सो कहानी कहती है कि एक ब्राह्मण था जो ग्रास काट रहा था, वहां पर उसकी जो सिकल थी, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, वो काट रहा था और वो एक स्टोन में फंस गई और वहां से खून निकलने लगा, और उसे एक रात को ड्रीम आया जिसने कमांड हिम टू द प्लेस ऑफ स्टोन अंडर अ बनियान ट्री फॉर वर्शिप। उसे एक रात को जब वो सोया तो सपना आया कि उस स्टोन को बनियान ट्री के नीचे रख दिया जाए वर्शिप करने के लिए। इस स्टोन को रूप माना जाता है गॉडेस का, जिसे लेटर रखा गया टेम्पल में, ठीक है जी। ये है टेम्पल बालासुंदरी जी का। फिर आता है एक और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है बनी। बनी है, हाइट इसकी 4200 है, ठीक है, लॉफ्टी माउंटेन्स के बीच में ये एक छोटा सा स्मॉल ग्लेशियरेटेड एक जगह है। ये टेम्परेट और पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट फेस करता है, राइट। ये फ्लरिश्ड है रिवर सेवा के ऊपर। रिवर सेवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर सेवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ये ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की, ठीक है, क्योंकि रावी रिवर ही है जो कठुआ से फ्लो करती है, तो सेवा आपको पता चल गई, एक ट्रिब्यूटरी है रावी की। तो बनी, अब मिनी कश्मीर भी कहा जाता है इसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे वाटरफॉल है, थिक फॉरेस्ट पैचेस आपको पाए जा सकते हैं, गशिंग स्ट्रीम्स हैं और मेडोज हैं। सो आई होप हमारे पास पिक्चर है यहाँ पे बनी टाउन की। सो दिस इज द एरिया बनी, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू कठुआ। सो पहला क्वेश्चन कहता है कि अर्लीस्ट नेम ऑफ कठुआ क्या था? तो कहानी याद करेंगे आपकी, 2000 साल पहले जब हस्तिनापुर से आते हैं जोत सिंह कठुआ में, उनके 3 बेटे और 3 बेटों के आगे जो नस्ल या सब कास्ट हुई उसे इकट्ठा कर ये शहर का नाम पड़ा। क्या था? कठौय, ठीक है, कठौय। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जो ये जो राजपूत रूलर थे जोत सिंह, जो हस्तिनापुर से आए थे, ये किस क्लान को बिलोंग करते थे? और ये हमने अपने नोट्स में देखा कि ये कौन से क्लान को बिलोंग करते थे। ये बिलोंग करते थे अंडोतरा क्लान को, सिंपल। फिर कहता है कि ये माइग्रेट, तीसरा क्वेश्चन है कि जो जोत सिंह थे अंडोतरा क्लान के, ये माइग्रेट कहाँ से हुए कठुआ में? तो ये माइग्रेट हुए थे हस्तिनापुर से अप्रोक्सीमेटली 2000 साल पहले। फिर फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि किसने अपनी डिस्क्राइब किया था कि कठुआ एक माइटी रिपब्लिक है और यहाँ के लोग एपिटोप हैं, सिंबल हैं करेज, बहादुरी और करेज के, और उन्होंने टफ फाइट दी थी अलेक्जेंडर की इन्वेजन को। तो किसने डिस्क्राइब किया था? ये हमने नोट्स में इजिली पढ़ा था, दैट वॉज डन बाय स्ट्राबो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा तीसरा, दैट इज स्ट्राबो। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि कठुआ किस पेंटिंग के लिए मशहूर है? तो कठुआ मशहूर है बसोली की पेंटिंग्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्स्थ वन सेज, इससे हमें पता चलता है जो हमने नोट्स में नहीं कवर किया है, कि जो कठुआ में जो श्रोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
तो ये पूछता है कि जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कठुआ, ये किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है? दैट इज इन कठुआ। और आप टेंशन मत लीजिए, ये जो डैम्स है ना जम्मू कश्मीर के, या आप कहें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये मैं एग्जैक्टली एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगी फॉर द डैम्स और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, ताकि हमारा एक प्रॉपरली ये कवर हो जाए। ठीक है, अभी बात करते हैं, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कठुआ में फॉल करता है कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चले, कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कठुआ में है? पहले तो ये मुझे बताओ कि भगलियार पावर प्रोजेक्ट कमेंट सेक्शन में कहां पर है, सलाल पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है, और ये दोनों मैं कवर करवा चुकी हूँ, तभी मैं ये दोनों पूछ रही हूँ। ठीक है, तो जो पावर प्रोजेक्ट है जो कठुआ में है वो है थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये मैंने आपको शायद मैप पे भी दिखाया ना, इसका दूसरा नाम है रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम है, ठीक है, रंजीत सागर डैम यहाँ पर है, दैट इज अ थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। चले जी, फिर हमने देखा कि बनी एक जो जगह है कठुआ में, जो एलिवेशन 4200 फीट के ऊपर है, वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, वहां पे सेवा रिवर है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सेवा रिवर है वो किसकी, किस रिवर की मेजर कौन है, इसकी मदर रिवर कौन है? वो है जी हमारी रावी रिवर। रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है सेवा रिवर। फिर आता है अटल सेतु ब्रिज जो कठुआ में है, वो किसे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के? तो जो अटल सेतु ब्रिज है वो फॉल करता है कठुआ में और ये कनेक्ट करता है पंजाब स्टेट को। ठीक है जी, पंजाब स्टेट को ये ब्रिज कनेक्ट करता है विद कठुआ। तो क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है कि जो अटल सेतु ब्रिज है जो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को किस और स्टेट से इंडिया की? द करेक्ट आंसर है हमारा पंजाब। क्लियर है? तो रंजीत सागर डैम किस रिवर के ऊपर बिल्ट है? रिवर रावी, जो फ्लो करती है कहां पे? कठुआ में। क्लियर हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कठुआ में फॉल करता है? वो है हमारी जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ हमारा आज का कठुआ डिस्ट्रिक्ट कवर होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर के प्रोविंसेस को और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट को जो फॉल करते हैं वहां पे। सो विद दिस हमने जम्मू प्रोविंस को कवर कर दिया है इन अप्रोक्सीमेटली 10 लेक्चर्स में। सो आई होप ये सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल है एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।